नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी आपकी 2020-21 के जो आपके प्रश्न बैंक हैं, इन प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके ब्लूप्रिंट और कम किए गए पाठ्यक्रम और आपके जो क्वेश्चन बैंक हैं उस क्वेश्चन बैंक को हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो पेपर रहेगा वो पेपर 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का आपका समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपका क्या क्या आपके ब्लूप्रिंट में कम किया गया है तो उसको हम देख लेते हैं एक बार और। कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में लेसन नंबर 5 द स्नीज, लेसन नंबर 9 द ट्रिब्यूट फर्स्ट, लेसन नंबर 10 द ट्रिब्यूट सेकंड, लेसन नंबर 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ और लेसन नंबर 18 द टेबल टर्न, ये कम किए गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस साल नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन बैंक की। तो क्वेश्चन बैंक में हम आपके सेक्शन वाइज चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी के अंतर्गत जो है आपके ग्रामर पूछी जाती है, हम आपके अनसीन पेज, नोट मेकिंग, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, और राइटिंग स्किल में जैसे लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट वगैरह जो भी हैं ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है राम इज सिटिंग, राधा सपना। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बिटवीन और अमंग दिया गया है। तो देखिए बिटवीन का अर्थ होता है बीच में और अमंग का अर्थ भी होता है बीच में। दोनों का अर्थ क्या होता है, बीच में। अब ध्यान देना, जब दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं के बीच की बात हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो और उसके बीच में किसी वस्तु की बात हो तो उसमें हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए राधा और सपना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, राम, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 2 है मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो ए एन द में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मून जो है ये एक यूनिक है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ यदि यूनिक रहती है, अद्भुत रहती है, पूरी संसार में एक ही रहती है, तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल के बहुत से वीडियोज़ विथ रूल्स एंड रेगुलेशन में पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, तो उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखे हैं, मीन्स यूं कह सकता हूं कि सारी आपकी जितनी भी ग्रामर है क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, सारी चीज़ें हो जो भी हैं, तो वो मैंने उनके सभी के वीडियोस बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। और प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है मंडे कम्स रिक्त स्थान संडे, बिफोर और आफ्टर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो क्वेश्चन क्या है, मंडे आता है संडे के पहले आता है बाद में, तो मंडे जो है वो संडे के बाद में आता है, तो यहाँ पर आएगा आंसर इसका आफ्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वी रिक्त स्थान ओबे अवर टीचर, ओट टू शुड मस्ट। अब देखिए तीनों का अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, क्या अर्थ होता है, चाहिए। जब हम किसी ऑब्लिगेशन या हमारी ड्यूटी की बात करते हैं तो उस समय हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द बुक इज रिक्त स्थान ऑन अपॉन। अब देखिए दोनों जो दिए गए ऑन और अपॉन, दोनों के अर्थ सेम है। जैसे ऑन का अर्थ होता है पर या फिर के ऊपर, और अपॉन का अर्थ जो होता है वो भी यही होता है, पर या फिर के ऊपर। लेकिन अपॉन का हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम गति में। कब प्रयोग करते हैं, गति में, जब कोई वस्तु मोशन में हो, गति में हो, तो उस समय अपॉन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन का। अब ऑन का प्रयोग कब होता है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श करती है, तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आई हैव रीड बुक्स ना, तो मैनी और मच, तो बुक्स जो है ये काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए मच का प्रयोग करते हैं, मतलब पुस्तकों को गिन सकते हैं, तो क्या आएगा, मैनी आएगा। अगला है फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ईच और आर में से कुछ एक लगाना है। तो फिजिक्स क्या है, ये एक सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन करता हो तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ईज का प्रयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सी रिक्त स्थान एन एप्पल डेली। अब सी क्या है, सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीआईएस का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, द चेयर वाज रिक्त स्थान बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द स्टूडेंट, तो बाय जो है ये यहाँ पर एक कीवर्ड है और इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो ब्रोकन आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सी रिक्त स्थान हर होमवर्क डेली। अब सी देखिए सिंगुलर है और तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा। ठीक, यदि ये प्लूरल होता है ना, आई वी दे यू में से कुछ एक होता तो डू का प्रयोग होता। अगला क्वेश्चन है सी इज सिटिंग रिक्त स्थान द क्लासरूम, वह क्लासरूम में बैठी हुई है तो इसमें इन का प्रयोग होगा। यदि वह गति में कोई क्रिया होती, मोशन में होता तो उसमें इन टू का प्रयोग होता। क्वेश्चन नंबर 12 है आई एम वेरी गुड रिक्त स्थान इंग्लिश, तो एट और ऑन, तो यहाँ पर क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। ये गुड एक ऐसी एडजेक्टिव है जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन जो है एट लेके चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 13 है राम प्रिफर्स कॉफी रिक्त स्थान टी टू और देन, तो प्रिफर एक कीवर्ड है, जब भी प्रिफर आता है और इसमें फिर रिक्त स्थान दिया जाए और तो हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो राम प्रिफर्स कॉफी टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना डाइड मलेरिया, ये मलेरिया के एक बीमारी का नाम है। जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं जैसे वो मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई या उसको ऊंचा सुनाई देता है तो उस समय हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ही इज रिक्त स्थान एसडीएम, अब ए और एन में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो जब भी हम आर्टिकल ए एन की बात करते हैं तो रिक्त स्थान के बाद में जो सबसे पहला शब्द आता है उसके उच्चारण को हम देखते हैं, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है एस डी एम, तो इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है हिंदी वर्णमाला के स्वर से, और किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो चलिए इनको भी देखते हैं, है ना, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे जल्द ही। तब तक आप अच्छे से इनको तैयार कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक है, वर्कबुक है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।